आरोप लगा कि दिल्ली के सीएम के पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है। कल जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, फिर शिकायत हुई, फिर इस पर राजनीति हुई, आज प्रतिक्रिया सामने आई है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों स्वाति मालीवाल ने कॉल तो की लेकिन लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आपको याद होगा कि देश भर में चौथे चरण का मतदान हो रहा था, लेकिन इसी बीच कल एक बड़ी खबर सामने आई थी, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर स्वाति मालीवाल इससे जुड़ी इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया। आरोप लगा कि दिल्ली के सीएम के पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, और इसको लेकर एक फोन कॉल दिल्ली पुलिस को भी किया गया था। अब इस पूरे मामले में राजनीति गरमाती हुई नजर आई। अब सब ये सवाल कर रहे थे आम आदमी पार्टी से कि आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा सामने आए और अपनी बात रखे कि आखिर स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, वो कितने सही हैं। देखिए, अगर बात की जाए स्वाति मालीवाल की, तो कल जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, फिर शिकायत हुई, फिर इस पर राजनीति हुई, आज प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं ना, ये कहा जा सकता है कि एक के बाद एक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे तैसे अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर आए थे, लेकिन फिर कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से मट्टी पलीत हुई है, उससे कहा जा सकता है कि दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से सनसनीखेज आरोप लगाए जाने का दावा किया गया। अब पुलिस सूत्र बताते हैं कि सीएम हाउस के भीतर ही दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई। अब कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। तो आइए अब इस पूरे मामले पर मैं आपको बताती हूं कि आखिर क्या क्या हुआ, क्योंकि ये वो शख्स है स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो कहीं ना कहीं अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, तो इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शुरुआत में दिल्ली सीएम आवास के भीतर से सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 PCR कॉल किया गया था। कॉल करने वाले ने बताया कि वो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं। उन्होंने सीएम हाउस के भीतर खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। ये आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाए गए हैं। पीए पर्सनल असिस्टेंट, वो भी मुख्यमंत्री के, वो भी देश की राजधानी के मुख्यमंत्री विभव कुमार। स्वाति मालीवाल सोमवार सुबह 9:10 पर सीएम हाउस पहुंची थी और वो मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के निजी स्टाफ ने उन्हें केजरीवाल से मिलने नहीं दिया। इसके बाद मालीवाल ने सुबह 9:30 पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। ये कॉल सुबह 9:34 पर नॉर्थ कंट्रोल रूम को ट्रांसफर की गई। नॉर्थ कंट्रोल रूम ने सुबह 9:39 पर डीडी एंट्री में सुधार किया। अब दिल्ली पुलिस की डीडी एंट्री में क्या है, ये जानना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की डेली डायरी एंट्री से पता चलता है कि सुबह 9:34 पर पुलिस को कॉल किया गया था। पुलिस लॉग शीट के मुताबिक कॉलर ने कहा, मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने और उनके पीए ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की है, उन्होंने और उनके पीएम। अब इस पर फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि स्वाति मालीवाल कहा गया कि वो बोल रही हैं और वो सीएम आवास पर हैं, उन्होंने और उनके पीए ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इसके बाद डीडी एंट्री में सुधार किया गया, जिसमें कहा गया कि सीएम ने विभव से पिटवाया है। पुलिस के मुताबिक एक ही पीसीआर कॉल आई थी, इस कॉल एंट्री में बाद में सुधार कराया गया। इस सूचना के बाद पुलिस स्टेशन ऑफिसर सीएम आवास पर पहुंचे, उन्होंने स्वाति मालीवाल को पुलिस स्टेशन आने के लिए राजी किया। इसके कुछ मिनट बाद ही मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इस बीच ही उनके साथ मारपीट की खबर फैल गई। हालांकि स्वाति मालीवाल ने कैमरे के सामने अभी तक कुछ कहा नहीं है। उसके बाद थोड़ी ही देर में मालीवाल पुलिस स्टेशन से चली गई। अब इस पे दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने आई थी, उन्होंने घटना के बारे में बताया, हम वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्वाति ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन बवंडर देखिए कितना मचा है।
इस पूरे मामले पर डीसीबी नॉर्थ मनोज पांडे ने कहा कि सोमवार सुबह 9:34 पर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पर पीसीआर कॉल की गई, जिसमें कहा गया कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की गई। कुछ देर बाद सांसद मैडम सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंची, हालांकि वो ये कहकर चली गई कि वो बाद में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे, लेकिन अब तक उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई है। अब मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस के इन दावों के बाद बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने स्वाति मालीवाल के आरोपों पर कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए ने उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली के सीएम हाउस से कॉल की गई, याद रखिए स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी साध रखी थी, वो वास्तव में उस समय भारत में भी नहीं थी और लंबे समय से भारत नहीं लौटी थी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया था। स्वाति मालीवाल के इस आरोप के 24 घंटे बाद दिल्ली आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने सफाई दी और बताया कि उस दिन क्या हुआ था। आप सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई दी। इसके साथ ही उन्होंने आपकी ओर से उचित कार्रवाई करने की भी बात कही है। संजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वाति मालीवाल के आरोपों पर सफाई देते हुए बताया कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। जब वो ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी, तभी वैभव कुमार ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आइए सुनवाते हैं संजय सिंह ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आप कहते हैं ना कि जब आपके दिन खराब चल रहे हों तो फिर इधर उधर से तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है, तो काश ये खबर झूठी हो। लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल दिल्ली में राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से, एक बड़ा पद है और महिलाओं के लिए आवाज उठाती आई हैं, लेकिन उन्होंने लिखित शिकायत नहीं की है। क्या इसे ध्यान भटकाने के लिए एक मैटर था या वाकई कुछ अंतरखाने चल रहा है आम आदमी पार्टी में या भीतरखाने अंतर्कलह चल रही है? ये वजह बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों स्वाति मालीवाल ने कॉल तो की लेकिन लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है, या फिर इसमें क्या सीएम का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि संजय सिंह ने कहा है कि इस पर सीएम जो है वो उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।